हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हमारे पास है DS3 RS200। फर्स्ट एडिशन RS200 है। मुझे पता है अभी मार्केट में DS6 RS200 भी निकल गई है, बट ये फर्स्ट एडिशन RS200 का बात कुछ अलग ही है। इसमें इसका जो मतलब पावर डिलीवरी था ना, बिल्कुल रॉ पावर डिलीवरी है। और ऐसे टेक्निकल रिव्यू तो आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब में, बट आज हम एक आम इंसान के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि RS कितना प्रैक्टिकल है मार्केट में और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। पहले तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं फुल पावर ऑन। यह भी अच्छा स्ट्रेच है। सीरियसली ये DS6 से तो बहुत बेटर है यार। मतलब DS6 भी बहुत अच्छी है और रिफाइंड है, बट इसमें ना थोड़ा टॉर्क आपको ज़्यादा महसूस होगा, थोड़ा सा एक्सीलरेशन भी आपको लगेगा कि पूरा खींच के ले जा रहा है, वो वाला फीलिंग आएगा इन कंपैरिजन टू DS6। साउंड भी इसका काफ़ी खुला हुआ साउंड है कंपेयर टू DS6 थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब चपा हुआ साउंड है, बट इसमें पूरा खुला साउंड है। और ब्रेकिंग की बात करें तो भाई देखो, RS इसमें मतलब 300mm डिस्क के सामने, सो ब्रेकिंग तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे भी एक कैच है। ये इसका जो ब्रेकिंग है ना, वो कॉर्नर में उतना अच्छा नहीं है। मतलब मुझे जहाँ तक चला के फील हुआ, स्ट्रेट लाइन में काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग है, बट कॉर्नर्स में ब्रेकिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और हैंडलिंग ऐसे इसका कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ हैंडलिंग है, काफ़ी बढ़िया हैंडलिंग है, सो उसको लेके कोई कॉम्प्लेन नहीं है। बट कॉर्नर में क्या है कि थोड़ा सा वॉबली फीलिंग आ गया आपको, थोड़ा सा, एंड बिगिनर राइडर्स के लिए वो थोड़ा सा वॉबली फीलिंग बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, सो ऐसा ट्राई मत करना कॉर्नर में ऐसे स्लो ही घुसना। मेन चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा लगता है RS200 का, और स्पेशली ये फर्स्ट एडिशन का, इसका भाई रेस्पॉन्स कुछ अलग ही रेस्पॉन्स है यार। मतलब एक 200cc इंजन होने के बावजूद भी, मतलब मार्केट में और भी बहुत सारे 200cc बाइक है, जैसे RTR 200V हो गया और 204V, सॉरी, और कौन सा है, KTM Duke 200, इससे पहले पल्सर 200 DTSI थी, उससे तो काफ़ी अच्छा ही है। एंड उससे इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये 6 गियर है, वो 5 गियर वाला बाइक था। इसमें एक गियर भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, लिक्विड कूलिंग भी मिल जा रहा है और 24 HP भी मिल जा रहा है, 24.5 PS अगर प्रिसाइजली बोलूँ तो। और टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है, 18.8
18.6 या 18.7 ऐसा कुछ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप सोलो चलाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, कॉम्पेयर टू आप अगर कोई हैवी पिलियन लेके चला रहे हो। थोड़ा हैवी पिलियन लेके चलाओगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि गाड़ी खींच नहीं रही है, और अकेले चलाओगे तो आपको इसका एक्चुअल पोटेंशियल पता चलेगा बाइक का। और इंजन के स्मूथनेस के बारे में अगर बात करें तो सीरियसली मैं बहुत मतलब बहुत इम्प्रेस्ड हूँ यार इससे। दूसरे बहुत सारे मैंने बाइक चलाए, मैं सीवियर 250 चलाता हूँ, सीवियर 250 का इंजन स्मूथनेस तो भाई थोड़े अलग लेवल में ही है, आफ्टर ऑल होंडा है। बट मतलब बजाज के इससे पहले मेरे पास 180 था, पल्सर 180, सो 180 चलाया मैंने, 220 चलाया, बजाज के और भी बाइक्स चलाए, छोटे बाइक्स भी चलाए। उसके कंपैरिजन में जब ये चलाता हूँ मैं, तो इसका भाई इंजन का स्मूथनेस ना कुछ अलग ही लेवल में। आप हायर आरपीएम में भी, जैसे मैं अभी एक गियर डाउन करके अगर 5000 आरपीएम, कितना स्मूथ जा रहा है यार, और वाइब्रेशन वाला कोई फीलिंग ही नहीं है। और धीरे धीरे आरपीएम जब राइज भी कर रहा है, अभी देखो 6000 आरपीएम, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, एकदम स्मूथ जा रहा है। और यहाँ से जो रिस्पॉन्स है ना, वो तो भाई मतलब आ गया बिल्कुल। आरएस का इंजन क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, तो उस हिसाब से आप अगर लो आरपीएम में चलाओगे ना, जैसे देखो अभी मैं थोड़ा लो आरपीएम में एक आप शिफ्ट करके दिखाता हूँ, जैसे ये देखो 3500 आरपीएम। यहाँ पे भी मतलब शॉर्ट स्ट्रोक इंजन का मेनली क्या होता है कि एकदम लोअर आरपीएम में ना थोड़ा नॉकिंग वॉकिंग का प्रॉब्लम रहता है, जैसे ड्यूक में है एंड सीवीआर में भी थोड़ा सा है, बट इसमें बिल्कुल नहीं है यार। इसका इंजन कुछ इस तरह से बनाया गया है, इसमें वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई नॉकिंग नहीं है, सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ये एक एडवांटेज भी है ऐसे बोल सकते हो। और एकदम लोअर आरपीएम से भी आप अगर पुल करोगे ना, जैसे 4000 आरपीएम, यहाँ से भी आप अगर पुल करोगे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और जैसे ये 6000 आरपीएम, ठीक है 6000 आरपीएम ना पूरा इस बाइक के लिए मतलब एक जादू की तरह काम करता है ऐसे बोल सकते हो। यहाँ से अब थ्रॉटल दो तो बिल्कुल रॉकेट हो जाती है बाइक, मज़ा आ जाता है जस्ट। ये देखो 6500 आरपीएम, थोड़ा वाइब्रेशन महसूस होगा यहाँ पे, आप थ्रॉटल देने पे महसूस नहीं होगा बिल्कुल भी। बिल्कुल इजी चले जा रहा है, कोई मतलब बिना रुकावट के। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच भी चाहिए, नहीं तो सिटी में इतना मतलब 120 के अबव जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे ब्रेकिंग थोड़ा वीक होने लगता है। और इसके माइलेज की बात करें तो ऑलमोस्ट एक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एवरेज आपको एक 35 प्लस ही मिलेगा, एंड चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो। आप अगर ज़्यादा पुल करके चला रहे हो तो आपको और थोड़ा कम मिलेगा, मतलब 35-36 ऐसा। आप अगर पकड़ के चला रहे हो 5000 आरपीएम, 4000 आरपीएम, फिर आपको ऑलमोस्ट 38-40 उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है रोड कंडीशंस एंड राइडिंग स्टाइल के ऊपर। और साउंड तो यार इसका मतलब क्या बोलूँ, जितना बोलूँ कम है, मज़ा आ जाता है। जस्ट आप एक बार रेप करोगे ना, अलग साउंड है। और
सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो भाई देखो ये आरएस है, मतलब रेस स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ज़्यादातर रेस स्पोर्ट्स बाइक में क्या होता है कि पूरा एग्रेसिव पॉस्चर होता है, लीन होकर बैठने वाला। इसमें वैसा बिल्कुल नहीं है, इसका हैंडल काफ़ी ज़्यादा रेस किया हुआ है, तो इसके वजह से जो होता है आप एकदम स्ट्रेट बैठोगे बाइक के ऊपर। सो आपके बैकबोन पे, हिप पे, शोल्डर्स पे, मतलब हाथों में भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। अब आराम से इसको लेके लॉन्ग राइड्स पे भी जा सकते हो। लिक्विड कूलिंग है सो इंजन पे भी कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। एंड 6 गियर में आप ऑलमोस्ट 120-125 पकड़ के फुल क्रूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 100 पे क्रूज़ करोगे तो फिर तो माइलेज भी बढ़िया मिलेगा आपको। एक बार क्लचलेस आप शिफ्ट करके देखते हैं गियरबॉक्स का स्मूथनेस कितना, मतलब एक्सट्रीम है। बहुत बढ़िया है, जस्ट सिर्फ अप शिफ्ट नहीं, डाउन शिफ्ट में भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम स्मूथ जा रहा है। हर एक रेंज पे, सिर्फ टॉप एंड पे नहीं, मिड रेंज पे नहीं, लो एंड पे, हर एक रेंज पे इतना बढ़िया है। एकदम लो एंड पे भी मक्खन निकलती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉर्नर्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बस कॉर्नर में ब्रेकिंग थोड़ा रिस्की है। सो अगर कोई ब्लाइंड कॉर्नर है तो ट्राई मत करना, अगर आपको सामने दिख रहा है कॉर्नर पे तब अलग बात है, तब आप ट्राई कर सकते हो एक्सट्रीम कॉर्नरिंग, नहीं तो ट्राई मत करना, क्योंकि उतना भी बढ़िया मतलब कॉर्नर में ब्रेकिंग नहीं है, सो रिस्क हो सकता है। मतलब आपको अगर एक क्विक मशीन चाहिए कम बजट के अंदर, ऐसा बाइक जिसमें लगभग सब फीचर्स भी मिल जाएंगे, एबीएस वगैरह, और थोड़ा लुक्स भी जो है अनकॉम्प्रोमाइज्ड लुक्स है। लुक्स तो इसका यार बिल्कुल नया वाला जो BMW S1000 RR है, न्यू मॉडल, उसके साथ मतलब बहुत बार कंफ्यूज हो गया था सामने से देखने पे ना, और रात को देखने पे तो और भी आपको समझ नहीं आएगा। BMW S1000 RR और ये बिल्कुल मतलब सेम लगती है। सो लुक्स तो यार अनकॉम्प्रोमाइज्ड लुक्स है, साइड से देखोगे एंड क्लोजली देखोगे तो फिर समझ में आएगा बहुत सारे डिफरेंस है एक्चुअली, बट सामने से, फ्रंट से देखोगे तो आपको कुछ पल के लिए लगेगा कि अरे भाई ये कौन सी बाइक है। इस बाइक को चलाने का एक और फ़ायदा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यही है कि आपको मतलब बजाज के पार्ट्स ना बहुत इजीली मिल जाएंगे। एंड बजाज के जो पार्ट्स हैं कोई भी बाइक का, इंक्लूडिंग डोमिनार, बहुत ज़्यादा मतलब बजट फ्रेंडली है, आपका पॉकेट को उतना हार्म नहीं करेगा। अगर फर्स्ट एडिशन RS मिल रहा है कहीं से अच्छे कंडीशन में, सेकेंड हैंड भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब कुछ देख के लेना चाहिए। और थोड़ा कम किलोमीटर चला हुआ हो, जैसे 10,000-15,000 ऐसा अगर चला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नया आप ले रहे हो BS6 तो वो भी इससे खास कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि इसमें बिल्कुल रॉ पावर है।
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, बी सेफ गाइस, एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर।